हेलो फ्रेंड्स, तुहाडा सारयां दा बहुत बहुत स्वागत है अनहद संधू कोचिंग हब दे विच। मैं अज तो पटवारी दे एग्जाम दी प्रिपरेशन शुरू करवान जा रही हाँ, जिहदे विच मैं तुहाडे दे लई करंट अफेयर्स लैके आया करांगी। कोशिश करांगी कि हर रोज़ एक वीडियो पावां, ज़्यादा तो ज़्यादा मेरी यही कोशिश होएगी कि तुहानूं करंट अफेयर्स ने जो एग्जाम तक टाइम ते पुछे जाणगे जनवरी तो लैके जदों तक अपना एग्जाम हो रहा है उस टाइम तक, तो उसके लिए मैं प्रिपरेशन करवा रही हाँ पटवारी एग्जाम दे करंट अफेयर्स की। ठीक है, तुसी मैनू इस दे लई मेरे वट्सएप ग्रुप और टैलीग्राम ग्रुप से भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, ये मैं जो करंट अफेयर टॉप 25 लेके आई हाँ, ये जनवरी मंथ के ने जिदे विचों असीं कुछ चुनिंदा लेके आए हाँ। तो प्लीज़ अगर तुहानूं मेरी ये वीडियो पसंद आई हो आवे तो प्लीज़ इस नूं लाइक कर देना एंड अपने फ्रेंड सर्कल दे विच वध तों वध शेयर भी कर देना। ठीक है जी, हाँ जी शुरू करते हाँ। IET द्वारा भारतीय रेलवे विच आधुनिकरण दे सुधारां दे लई किस नूं इंजीनियर अवार्ड 2020 दिता गया है? ठीक है, ये अवार्ड दिता गया है विनोद कुमार यादव नूं। ठीक है, ये CEO ने करंट दे विच। ठीक है जी, भारतीय रेलवे दे ते भारतीय रेलवे के तुहानूं मंत्री पता ही ने कौन ने, पीयूष गोयल। ठीक है जी, BSF दे IG दे रूप दे विच किस नूं नियुक्त किया गया है? BSF जो कि सेना नाल रिलेटेड है उहदे IG दे रूप दे विच किस नूं नियुक्त किया गया है? तो सुनील कुमार नूं किया गया है। ठीक है, नैक्सट है आंध्र प्रदेश दे नवे मुख मंत्री कौन बने ने? ठीक है जी, आंध्र प्रदेश दे नवे मुख मंत्री ने जिहड़े उह कौन बने ने गे? उह बने ने गे आदित्य नाथ दास। ठीक है, नैक्सट है 34वीं प्रगति की प्रधानगी किसने की है? ठीक है, वो की है जी नरेंद्र मोदी ने की है। यदि फुल फॉर्म होंगी है प्रोएक्टिव गवर्नमेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशंस। ठीक है, नैक्सट है SBI कार्ड दे नवे MD एंड CEO कौन बने ने? SBI कार्ड, ठीक है, SBI बैंक नहीं, SBI कार्ड दे नवे MD एंड CEO कौन बने ने? तो वह है ने राम मोहन राव अमारा जी ने बनाया गया। ओके, नैक्सट है दी गोपी डायरीज कमिंग होम की रचना किसने की है? ये बुक का नेम है जी जो अभी करंट के ही छपी है, तो इसकी रचना जी है जा इस दी लेखक ने जड़े वो सुधा मूर्ति जी ने। ठीक है, सुधा मूर्ति दी है जी। नैक्सट है अखिल भारतीय शतरंज संघ IAICF दे नवे प्रधान कौन बने ने? शतरंज जो गेम हमारी खेडी जाती है वो नवे प्रधान कौन बने ने? संजय कपूर। ओके, नैक्सट है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंटिस्ट पुरस्कार 2021 किसनों दिता गया है? तो वह गया है अमित केशरवाई। ठीक है, केशरवाई नूं दिता गया है, डॉक्टर अमित केशरवाई नूं। ठीक है, नैक्सट करते हैं। ठीक है, नैक्सट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, उत्तर प्रदेश ने अपना किन्नवा स्थापना दिवस 24 जनवरी 2021 नूं मनाया है? उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस ही 24 जनवरी नूं, तो उन्होंने किन्नवा मनाया है अपना? तो वह हैगा जी 71वां 71। केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर विच रतलेपण बिजली परियोजना शुरू की गई है तो ये किस नदी के किनारे बनाने की मंजूरी दी गई है? तो यह दी गई है जी चनाब नदी के किनारे। भारतीय मूल दी कमला हैरिस, मतलब कमला हैरिस नाम दे एक लेडी ने जिहड़े कि अपने भारत तो बिलोंग करते हैं, तो वह उपराष्ट्रपति बने ने किहड़े देश के दे बने ने गे? तो अमेरिका के बने ने 49th में। ठीक है जी, उपराष्ट्रपति बने ने गे, राष्ट्रपति तुहानूं पता ही है कि कौन बने ने? जो बर्डन। ठीक है जी, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस नूं बनाया गया। एंड मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना किस राज विच शुरू की गई है? मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना दे नाम नाल शुरू की गई है एक योजना, तो वो किस राज दे विच शुरू की गई है? तो वह गुजरात दे विच शुरू की गई है। नैक्सट, किस राज दे राजपाल ने वन स्कूल वन IAS योजना नूं शुरू किया है? तो यह किया है केरल राज ने। राजपाल कौन ने? आरिफ मुहम्मद खान ने। वन स्कूल वन IAS का मतलब है कि जिहड़े बहुत वधिया बच्चे हुंदे ने ते लेकिन आर्थिक पक्ष तो गरीब हुंदे ने उन्हां दे लई
हर एक तरह की मतलब जिस तरह कि आपां नूं कोचिंग लैण दे लई बाहर जाना पैंदा ते काफ़ी सारा बच्चों नूं पैसा देना पैंदा, लेकिन कुछ बच्चे इस तरह के हुंदे ने जिहड़े बहुत वधिया पढ़ सकदे ने गे, उन्हां दा आईक्यू लैवल वधिया हुंदा है, लेकिन वह कुछ कारण कुछ परिस्थितियां अपने घर के आर्थिक हालात के कारण नहीं कोचिंग लै सकते, तो उहदे लई उन्होंने वन स्कूल वन IAS मतलब फ्री दे विच शुरू कीती है केरल दे राज्यपाल ने। ठीक है जी, बहुत वधिया गल है। नैक्सट, सोमनाथ मंदिर दे नवें प्रधान कौन बने ने? सोमनाथ मंदिर जो कि तुहानू पता है कि कित्थे है, गुजरात दे विच, ते जिहदे उपर जो मुहम्मद महमूद गजनवी ने 17 हमले किए थे तो उन्होंने अपना हमला भी ये उपर सोमनाथ मंदिर से किया, गुजरात दे विच हैगा सोमनाथ मंदिर, ते इहदे नवें प्रधान किसनों बनाया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नू। ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी दुनिया की सब तो उच्ची मूर्ति किस नाल संबंधित है? स्टैचू ऑफ यूनिटी मूर्ति है ये किस नाल संबंधित है? सॉरी जी, तो स्टैचू ऑफ मूर्ति है जिहड़ी ये सरदार वल्लभ भाई पटेल दे नाल संबंधित है, मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनाई गई है ये। तो मैं नाल ही नैक्सट क्वेश्चन तुहानू दस दिंदी हां कि नैक्सट क्वेश्चन अपना हैगा कि स्टैचू ऑफ यूनिटी किस भारत के किस राज विच बनाई गई है? तो यह गुजरात के कवेड़िया राज दे विच बनाई गई है, मतलब गुजरात जो अपना स्टेट है तो उसके कवेड़िया स्थान है उस स्थान पर बनाई गई है, तो ये 182 मीटर की उचाई होएगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल जिहड़े कि अपने भारत के पहले उपमंत्री भी रहे ने, ते उप प्रधानमंत्री भी रहे ने और गृहमंत्री भी रहे ने। ठीक है जी, तो इन्हां दी ही दुनिया की सब तो उच्ची मूर्ति है जिहड़ी कि 182 मीटर उच्ची है। ठीक है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल जिहड़े लोह पुरश के नाम नाल भी जाने जाते हैं। क्लीयर है जी? ठीक है जी, नैक्सट है जी, इंडियन परसनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार नाल किसनू सन्मानित किया गया? इस साल के इंडियन परसनैलिटी पुरस्कार के नाल किसनू सन्मानित किया गया? इतने आंसर नहीं लिखा गया, तो इतने हैगा विश्वजीत चैटर्जी। ठीक है जी, विश्वजीत चैटर्जी नू इस पुरस्कार के नाल सन्मानित किया गया। ओके, नैक्सट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, भारत का पहला डॉग पार्क कित्थे स्थापित किया जाएगा? भारत का डॉग पार्क स्थापित करने की मंजूरी मिली है तो कित्थे किया जाएगा? तो चंडीगढ़ पंजाब दे विच किया जाएगा। किसने 2021 नूं भारत फ्रांस वातावरण दिवस के रूप के लॉन्च किया है? किसने किया है भारत फ्रांस वातावरण दिवस के रूप के? तो जावेद प्रकाश जावेदकर ने किया है। गणतंत्र दिवस की परेड विच किस राज की झांकी ने पहला पुरस्कार जितया? गणतंत्र दिवस जो 26 जनवरी नू मनाया जाता है ना, सारे नू ही पता है, दिल्ली दे विच, दिल्ली दे लाल किले दे विच, उस विच किहड़े राज की झांकी, मतलब उत्थे बहुत सारे झांकियां भी पेश किए जाते हैं, आइटम्स भी पेश किए जाते हैं, तो उस किसने सब तो पहला स्थान या पुरस्कार जितया? तो उत्तर प्रदेश ने जितया। नैक्सट नैक्सट है, जिलियांवाला बाग शताब्दी स्मारक पार्क की आधारशिला कित्थे रखी गई है? जिलियांवाला बाग सारे पता है अमृतसर, तो अमृतसर के ही रखी गई होगी, तो आंसर इज़ द अमृतसर। गृहमंत्री अमित शाह ने किस राज विच आयुष्मान CAPF योजना शुरू की है? इस सेना के नौजवानों के लिए शुरू की गई है, तो ये कितों शुरू की गई है जी? आसाम के। ओके, नैक्सट है, भारत सरकार ने किस दे नाँ ते आपदा प्रबंधन पुरस्कार की शुरुआत की है? आपदा मतलब जो भी कोई कुदरती जा मैनमेड आपदा आती है तो उसकी पुरस्कार की शुरुआत की गई, उसने किस तरह लोग निर्दिष्ट हैं उसके लिए? तो वह सुभाष चंद्र नाम से शुरू की गई है, सुभाष चंद्र बोस जी जो साढ़े नेता से उन्होंने नाम से शुरू की गई है। ठीक है, नैक्सट है, सृष्टि गोस्वामी किस राज तो एक दिन की मुख्यमंत्री बनी है? उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य ने सृष्टि गोस्वामी नू एक दिन दे लई मुख्यमंत्री बनाया है अपने स्टेट का। ओके, नैक्सट है, 51वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड ऑफ इंडिया कित्थे संपन्न होया? 51वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड सम्मेलन होया है तो कित्थे होया जी? वो गोवा दे विच। ओके जी, ये सीगे जी 25 क्वेश्चंस। अगर तुहानू मेरी अज दी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसनों लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना, और वध तो वध अपने फ्रेंड सर्कल दे विच जरूर करना। तुसीं मैनूं ज्वाइन कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप एंड मेरे टैलीग्राम ग्रुप ते भी। धन्यवाद जी।